वाह वाह भाई वाह, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ। दोस्तों उम्मीद करूंगा आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए हमेशा मैं कुछ नया चीज लाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि आज इस वीडियो के अंदर थोड़ा बहुत फनी मोमेंट को मैंने शूट किया था, थोड़ा बहुत आप लोगों को इनडायरेक्ट शॉर्ट्स भी दिखाने के लिए कोशिश किया हूं। और जिस तरीके से मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं कि कुछ ना कुछ आप लोग नया सीख के जाओगे, तो दोस्तों उम्मीद करूंगा अगर वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो मेरा गारंटी है कुछ ना कुछ नया चीज जरूर सीख के जाओगे। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो मेरा जो मैच लगा है मेरा एक सब्सक्राइबर के साथ, वहाँ पे वो मैसेज भी कर रहा है। लेकिन दोस्तों गेम में जीतने में मेनली जो चीज़ है वो है प्लानिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग प्लानिंग करके खेलोगे तो बहुत ही इजीली आप लोग मैच को विन कर सकते हो। और मेनली बात यहाँ पे देखो, हमारे ओपोनेंट जो है बहुत ही बढ़िया प्लानिंग करके खेल रहा है। यहाँ पे देखो उसका टॉप लेफ्ट में, बॉटम लेफ्ट में इसको इनडायरेक्टली खेल रहा है, और उसका राइट साइड में देखो एक पक्स को वो फोड़ रहा है। तो दोस्तों हमेशा आपको भी ऐसा करना है, एक पक्स को आपको पोर्ट करना है और उसी पक्स के जरिए से दूसरा पक्स को आपको रिलीज करना है। और ये तरीका और ये ट्रिक्स अगर आप लोग सीख जाते हो ना, तो हमेशा आप लोग 95% चांस होता है आप लोग मैच को विन कर सकते हो। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं अगर प्लानिंग का थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाती है तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग मैच को हार भी सकते हो। जैसे कि इस भाई जो अभी गेम प्ले कर रहा है, देख सकते हो कितना बढ़िया शॉट खेल रहा है, भाई तो प्रो प्लेयर है। लेकिन यहाँ पे उनका आखिर में एक छोटा सा प्लानिंग गलत होने के कारण वो मैच हार जाते हैं। और यहाँ पे आप लोग देखने वाले ये जो शॉट अभी ये भी प्लानिंग कर रहा है, बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग था, क्योंकि राइट साइड में उनका जो पक्स था उसको रिलीज करना था उनको। तो यहाँ पे देखो ये जो शॉट उन्होंने लगाया है और वो पक्स थोड़ा बहुत रिलीज तो हो ही जाते हैं, और यहाँ पे देखो उसका पक्स रिलीज भी है। वो चाहते तो उसको इनडायरेक्टली बॉटम लेफ्ट में उसको पोर्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे उसका प्लानिंग थोड़ा गलत हो गया है। उन्होंने क्या किया देखो, यहाँ पे ऊपर का जो पक्स है वो टॉप लेफ्ट में उसको खेलने की कोशिश किया था, और जैसे ही इनको लगाया शॉट, और देखो यहाँ पे उन्होंने दोनों पक्स को लगा के इसको फाउल हो गया है। लेकिन वो चाहते तो वो नीचे वाला जो पक्स था उसको बॉटम लेफ्ट में वो आराम से खेल सकते थे। लेकिन यहाँ पे अभी मेरे बारी आ चुका है, और सिंगापुर का टेबल आप लोगों को पता होगी, सिंगापुर का टेबल तो ऐसे ही हम लोग जाया नहीं कर सकते। और बाकी यहाँ पे उतना हार्ड भी नहीं है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सारे पक्स हमारा बिल्कुल रिलीज है, और इस मैच को विन करना कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। ये बच्चों का भी काम, मतलब बच्चों के अगर भी दे देंगे वो भी इसको इजीली पोर्ट कर मतलब बीन कर लेंगे। सो खैर यहाँ पे मेनली जो बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ वो है प्लानिंग। प्रॉपरली अगर प्लानिंग करके आप लोग गेम प्ले करोगे तो इजीली आप लोग मैच को विन करोगे। जैसे कि इस भाई ने थोड़ा बहुत मिस्टेक कर दिया है, ऐसा नहीं कि इस भाई ने मिस्टेक किया है, ऐसा हमारे पास भी हो जाता है कभी कभार, क्योंकि हम लोग जोश में आके कुछ अलग शॉट लगा देते हैं और हमारा आखिर में फाउल हो जाते हैं। सो खैर वो अलग मसला है, लेकिन यहाँ पे इस मैच को हम बहुत ही इजीली विन कर गए। तो चलो अभी सेकेंड मैच की तरफ चलते हैं। अभी ये भाई जो खेलने वाले इस शॉट से आप लोग भी कुछ हद तक यहाँ पे प्लानिंग ले सकते हो। जैसे कि देखो कितना इजीली एक पक्स को टच करते हो, दूसरे पक्स को यहाँ पे पोर्ट किए, मतलब भाई का जो प्लानिंग था प्रॉपरली बहुत बढ़िया प्लानिंग था। लेकिन उसका किस्मत ने यहाँ पे उसका साथ नहीं दिया, दूसरा पक्ष आके यहाँ पे फंस गया, जिसका इनको उम्मीद भी नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, सो खैर ऐसा किस्मत कभी कभार हम लोगों को ऊपर मतलब उल्टा पड़ जाती है, क्योंकि दोस्तों जो इजी वाला शॉट होता है हम लोग उसको मिस कर देते, और जो बहुत ही मतलब हार्ड होती है उसको इधर उधर लुढ़क के भी वो कॉइन्स कहीं ना कहीं पोर्ट हो जाती है। तो इसे कहते हैं किस्मत। किस्मत के ऊपर हम लोग बात नहीं कर सकता है, हम लोग सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, जिस तरीके से भाई ने कोशिश किया था लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। तो दोस्तों इस भाई की तरह आप लोगों को भी प्लानिंग करके खेलना है। अगर आप लोग भी प्लानिंग करके खेलते हो ना तो आप लोग का भी चांसेस बढ़ जाता है 95% कि आप लोग हर एक मैच को विन कर सकते हो। सो खैर किस्मत के ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि किस्मत तो अलग बात है कि होता है या नहीं होता है, लेकिन हमें कोशिश तो जरूर करना है, ठीक है ना। तो कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होता, इस बात भी आप लोगों ने शायद सुने होंगे। सो खैर यहाँ पे इस मैच में और ज्यादा कुछ नहीं रहा होगा, यहाँ पे सारे पक्स हमारा रिलीज है। लेकिन आखिर में जो मेरा ये बॉटम में पक्स आप लोग देख सकते हो, इसको मैं इनडायरेक्टली पोर्ट करने वाला हूँ, किस तरीके से आपको वो भी दिखाऊंगा। और वो वाला शॉट अगर लग जाता है तो भाई वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाना, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ और यहाँ पे हमारे लिए कितना रिस्क भी था। सो खैर यहाँ पे फिर भी मैंने यहाँ पे इनडायरेक्ट शॉट लगाया, आप लोग देख लो, और लाइक तो बनता है मेरे भाई लोग, लाइक तो बनता है। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही ज़्यादा अटेम्प्ट किया और फाइनली इस शॉट को मैंने लगाया, तो इस बात पे लाइक तो जरूर बनता है। तो यहाँ पे देख लो ये मेरा जो मेरा बोर्ड है, मतलब ब्रेक टू फिनिश मैं किस तरीके से करूँगा, फास्ट ब्रेक मुझे मिला था। तो कुछ इस तरीके से पहला शॉट मैंने लगाया,
और अभी देखो, अभी बटम वाला जो पक्ष है मैं उसको खेलने वाला हूँ, क्योंकि बटम वाला के अलावा मुझे दूसरा कुछ यहाँ पे पक्ष नहीं दिख रहा है, और इसी को लेके बाकी सारे पक्ष को फोड़ना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक को कोशिश किया, दो दो चला गया। अभी बटम वाला जो पक्ष है आप लोगों को देख सकते हो, उसको मुझे खेलना है, नहीं तो मुझे दूसरा पक्ष फोड़ने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो कितना बेहतरीन शॉट था ये भी आप लोग देख लो। तो यहाँ पे अभी खेलने के लिए थोड़ा बहुत मेरे पास रास्ता क्लियर हो चुका है। अभी देख लो, पहले ऊपर वाला खेल लेता हूँ, और यहाँ पे भाई लिख रहा है कि भाई 5 मैच रिकॉर्डिंग, और यहाँ पे मैं 5 मैच खेलने की कोशिश किया था, बट यहाँ पे गलती से मैंने रिमैच करने की जगह मैं बैक कर दिया था। सो खैर भाई के लिए सॉरी, नेक्स्ट टाइम अगर मिलेंगे तो भाई जरूर से जरूर हम 5 मैच खेलेंगे। जी भाई, मैं गलती से यहाँ पे मैंने रिमैच करने की जगह मैं बैक बटन प्रेस कर दिया था। सो भाई को मैं दिल से सॉरी मांगता हूँ, मतलब सॉरी चाहता हूँ, और नेक्स्ट टाइम जब लगेंगे मैं कंटिन्यू 5 मैच जरूर खेलेंगे। तो अभी यहाँ पे देखो, कहीं ना कहीं बीच में जो हमारा पक्ष है वो फंसा हुआ लग रहा है, क्योंकि ऊपर जाने का रास्ता नहीं है, क्योंकि एक पक्ष उनका फंसा हुआ है, ठीक है ना। तो अभी उसी पक्ष को लेकर मैं इसको खेलने वाला हूँ, क्योंकि ये वाला शॉट तो नहीं जाएंगे, और अभी इसी पक्ष को लेकर मैं कुछ इस तरीके से इनडायरेक्टली खेलूंगा। तो देखो यहाँ पे ये वाला शॉट कैसा लगता है आप लोगों को। तो ये वाला शॉट आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। और अभी एक शॉट में दो हम पोर्ट कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगा के खेलते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा स्लोली खेलते हैं, क्योंकि अगर बैक पे आ जाएंगे तो यहाँ पे राइट साइड में उसका पक्ष फंस सकता था, तो इसलिए मैं थोड़ा स्लोली खेला, ठीक है ना। तो चलो ये वाला मैच भी हम लोग विन कर गए, और आखिरी एक ही गेम प्ले बचा हुआ है, आपको उसको तो देख के जरूर से जरूर जाना है। और यहाँ पे अभी आप लोगों को कुछ नया शॉट्स देखने को मिलेगी, नया चीज़ सीखने को भी मिलेगी। जैसे कि पहला मैं बटन में इसको खेल लेता हूँ, और आप लोग देखो तो यहाँ पे भी आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ प्लानिंग का जो हम लोग अभी से कहते हैं ना कि आपको प्लानिंग करके खेलना है, तो प्लानिंग को लिए भी आप लोगों को थोड़ा बहुत मदद मिलेगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस आखिर का गेम प्ले आप लोग जरूर देख के जाना। तो अभी देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रेड को पोर्ट करने वाला हूँ कुछ इस तरीके से कनेक्शन, और हमेशा इसको स्लो खेलने की कोशिश करना, ज़्यादा फोर्स से खेलोगे तो आपका जो पक्स है वो बाहर भी आ सकता है। तो इसको मैंने कितने आसानी के साथ स्लोली खेला हूँ, तो आप लोग भी देखें यहाँ पे। और यहाँ पे देखो अभी इसको पहले कट मारता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे अभी देखो इस गेम के अंदर कुछ रहा नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे आखिर में आपको एक इनडायरेक्ट शॉट जरूर देखने को मिलेगी, जो मैं आपको आखिर में दिखाऊंगा। और इसको भी कट मार लेता हूँ, तो देखो यहाँ पे एक कट मार लिया। तो यहाँ पे देखो लगभग दो पक्ष यहाँ पे हमारा फंसा हुआ है, एक तो बटम लेफ्ट के अंदर जो साइड में है, और दूसरा थोड़ा सा मिडिल में जो अभी लगा हुआ है वो वाला, ठीक है ना। इन दोनों पक्ष फंसा हुआ है, और इन दोनों पक्ष को मैं किस तरीके से पोर्ट करूंगा आप लोगों को देखना है, ठीक है ना। तो अभी देखो ये जो ऊपर का जो पक्ष है इसको भी हम स्लोली खेल लेते हैं, और नीचे बटन वाला जो पक्ष है उसको लेकर दूसरे पक्ष को हम फोड़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो राइट साइड में जो हमारा पक्ष फंसा हुआ है, पहले हम उसको पोर्ट करेंगे, ठीक है। तो उसको हम पहले इनडायरेक्टली पोर्ट करेंगे हमारा टॉप राइट में। तो देख लो कुछ इस तरीके से हम लोग इनडायरेक्टली लगाने की कोशिश किए थे, और फाइनली हमारा जो शॉट था बहुत ही प्रॉपरली जाके लगा भी था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो मेरा टाइम भी चला जा रहा था, तो मैंने यहाँ पे शॉट लगा दिया और फाइनली चला भी गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को एक शॉट पसंद आता है तो भाई बिल्कुल लाइक कर दो, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लो यार। और यहाँ पे भाई को लग रहा था कि हमारे फंस गया है, और यहाँ पे देख लो इसको हम इनडायरेक्टली कुछ इस तरीके से पोर्ट करेंगे, मतलब इनडायरेक्ट नहीं, मेरे जो स्टैगर होंगे वो बाहर आके उसको निकालेंगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने शॉट लगाने की कोशिश किया था, और ये तो शॉट मेरा बटन में तो चला गया राइट में, और वो वाला पक्ष भी रिलीज हो चुका है। तो उसको अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली स्ट्रेट कट मारने जाते थे तो क्या होता, हमारा स्टैगर उसका ब्लैक कलर को पक्ष को टच करते हुए फाउल होने के चांसेस था, ठीक है ना। तो मैंने सोचा नहीं, इसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली खेलेंगे, ठीक है ना। इनडायरेक्टली अगर खेलते तो कहीं ना कहीं हमारा जो पक्ष है वो तो जाएगा, और स्टैगर का फाउल होने का चांसेस भी नहीं रहेगा। तो मैंने इसको स्लोली खेला, ज़्यादा फोर्स से नहीं खेला, क्योंकि ब्लैक कलर का जो पक्ष है उनका देख सकते हो टच करके वो फाउल होने के चांसेस होता था, तो इसलिए मैंने उसको नहीं किया। बस आज इतना ही काफी था। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करते हो जरूर जाना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लो, और डिस्क्रिप्शन चेक करो जहाँ पे आपको ज्वाइन टेलीग्राम देखने को मिलेगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। तो दोस्तों फिर मिलेंगे बिल्कुल एक धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।